हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त हनी। गाइस, तारीख है आज 24 है शायद। एक व्लॉग मैंने अभी ख़त्म करके मतलब यूट्यूब पे डाल दिया है और तब तक हस्बैंड जी आ गए हैं। मतलब आज वो घर आ गए लगभग 9:30 बजे। तो उन्होंने कहा बा बाहर चलना है क्या, कुछ खा पी के आएगा? तो मैंने कहा ठीक है भाई, क्योंकि मेरे को डिनर विनर वैसे भी मैंने 7 साढ़े 7 बजे 2-3 गोलगप्पे खाए थे, तो मैंने कहा डिनर तो करना ही है। मैंने कहा ठीक है। फिर अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अंदर जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि ठंड बहुत लग रही है मुझे। मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या ठंड की है। अब मैं बाहर मतलब निकलूं कि नहीं निकलूं? बेटे कुछ हेलो है करेंगे आप? करो। तो उसी में गई थी ना, वो पिछला व्लॉग था, ये दूसरा व्लॉग है। करो, आज संडे ही तो है, तो करो ना। संडे तो क्या, कोई मंडे तो आ गया है नहीं ये। मत करो, आप फालतू की बातें कर रहे हो। पूरा कैमरा हिला दिया आपने। अपन अपन ये मेरी सोचा। सुनो, अंदर ही चलें? चलो चलो ले चलो, क्योंकि वैसे भी अभी थोड़े लोग चले गए, पहले थोड़ी ज्यादा भीड़ थी, अभी 2-4 लोग उठे हैं ना, तो हल्का खाली हुआ है, तो अभी हम जा रहे हैं। ठीक है, चलो चल 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 चल। यहाँ ठीक है। ये क्या चीज है? सोया चाव। डीनो ना इतना भी नहीं रुका जा रहा है कि खा लिया, सब्सक्राइबर्स को भी नहीं खिलाया, अब दूसरा पीस खिला रहा है, फुक्का करके खिलाएगा। इतना गर्म है कि बेचारे उठा नहीं पा रहे हैं। ये लो ऐसे खिला दे, डायरेक्ट यू खिला दो, ये सही है। हाँ, आप तरीका सही है। यस यस, जैसे प्लान होता है तो आने में उतना मजा नहीं आता, अचानक से जब कभी जाओ ना कहीं तो मजा ज्यादा आता है। इसका ठीक है, इसका ठीक है। पाव भाजी नहीं खानी मेरी, पिज्जा पिज्जा खाना है बस, और क्या खाऊं? लास्ट टाइम आपने यही खाया था, क्योंकि मेरे को यही पसंद है। ये खाना, ये मुझे नहीं खाना है, मुझे ऐसा रबड़ जैसा पसंद नहीं है। गाइस ये देखिए, मुझे यहाँ का पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पे बच्चे चीख रहे हैं दरअसल, इनको सोया चाप इतनी पसंद है, मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा है। बहुत पसंद है, वो भी ये वाली, ये तंदूरी है। अच्छा, पनीर वनीर कुछ नहीं खाता, यही खाना पसंद है इसको। अच्छा लग रहा है डीनो, इतना मगन है कि जवाब भी दे रहा। ये 2 दिन तक घुमाते रहेंगे उसको। ये टेबल को शेक कर, चीनों को तो ये बड़ा पसंद आया भाई। इसका पिज्जा मस्त है। कौन शेक? नाच रहे हो तुम तो, हर वक्त नाचते ही रहते हो। मैं कार में जा रही हूँ, मेरे को लग रही है ठंड है। यार मैं दूध पीने आया हूँ यहाँ पे, घर में भी दूध, यहाँ भी दूध ही पीने आए हो। कुल्लड़ वाला मिल्क, कुल्लड़ वाला, कुल्लड़ वाले आप इंटरेस्टेड हो? मैं, मेरे को आपने देखा कभी मैं गर्म चीज पीता भी हूँ या बाहर? बिल्कुल। शेक्स तो यार सर्दियों का मौसम है ना यहाँ पे, बेटे दोबारा बंद करो। तो भाई यार मेरे को, मैं तो कहीं का भी नहीं हूँ देखा जाए, इसीलिए मेरे को बैंगलोर की इतनी बुरी याद आ रही थी आज, सर्दियों का मौसम, कि बस मैं रोया ही नहीं हूँ और सब कुछ हो गया है मेरे साथ। के मौसम में यहाँ पे शेक्स नहीं मिलते, गर्मियों में मिलेंगे। पता नहीं ये आगरा है कि कोई और अलग कोई लोक है, आगरा है तभी, पृथ्वी लोक ही है ना ये है? ये जुपिटर उपिटर तो नहीं है? जुपिटर क्यों, आगरा में सर्दी नहीं पड़ती क्या? ऐसी बात है, मैंने पीछे तब तक बोर्ड पे पढ़ा शेक इट बेबी, इसका मतलब शेक मिलते हैं पीछे। नहीं मिलते हैं? अभी देखो तो तुम,
हो सकता है तकदीर से मेरे को कोई शेक पीने को मिल जाए, क्योंकि अगर कोई स्पेसिफिक शॉप मतलब कोई जो शेक ही बेच रहा है शेक के लिए खोल के बैठा है कोई शॉप, तो फिर एक तो ये बात नहीं करने देता है, ये अपनी लगा लेता है, हम अपनी लगा लेते हैं, फिर दोनों की मिक्स हो जाती है, कुछ समझ नहीं आता। रिवर्स में सही है, यहाँ से रिवर्स हुए हम लोग, पहले यहाँ खाया उसके बाद यहाँ आए इस जगह। अब ये जा रहे हैं, नहीं स्ट्रॉबेरी, आई वांट स्ट्रॉबेरी, नहीं ठंडी, इसके लायक तो ठंडी है बेटे, मेरे में से पी लेना, आपको नहीं ला के देने वाले, आपका गला खराब हो जाएगा लड़के, इनको दो सिप मारने उसके चक्कर में चॉकलेट लेके बैठ जाऊं मैं, है डीनो, और इतना ठंड का टाइम चल रहा है, पूरा एक ग्लास पिलाऊंगी ना तो पड़ जाओगे बीमार, और मम्मा पे तो कोई चीज असर नहीं होता है, आप पे तो असर हो जाएगा। तो क्या करूं फिर, चॉकलेट में नहीं ना, उसमें सिप मार लेना ना, घर में आप इतनी डेयरी मिल्क खाते हो, पूरा दिन चॉकलेट, पूरा दिन चॉकलेट, कहीं ना। गाइस फाइनली मेरा शेक आ चुका है, इतने दिनों से इन्होंने खूब पागल बनाया तुमने मेरे को, जबकि सब मिलता है, मेरे जितना दिमागी इंसान भी हो सकता है। ये भाई चॉकलेट वाला नहीं है, चॉकलेट वाला है क्या ये? अच्छा चॉकलेट वाला है नहीं, वो बोल रहा है ठीक है ठीक है, सर्दियों में हम चॉकलेट वाला। गाइस पहला सिप फॉर माय सब्सक्राइबर्स, वाओ लुक एट दिस वन, स्ट्रॉ से पिला रहा हूँ मतलब अभी तक क्या था, ए लिसन नो, अभी तक क्या था, अभी ऐसे डायरेक्ट पिला दी थी, अब इसमें स्ट्रॉ पड़ी है तो स्ट्रॉ से पियो ये लो कैसा लग रहा है, अच्छा लगा? गंदा। गाइस इन्होंने सच में इतना पागल बनाया है मेरे को, वाह नहीं बात, देयर इज अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग, अब छोड़ा मामा छोड़ा, ऐसे नहीं हो जाता है ना, ऐसा हो जाता है ना, अच्छा गलती तो हो जाती है, गलती जो हो जाती है, डीनो तब भी मेरा समझदार हो रहा है इतना, डीनो बच्चा है उसे नहीं पता डैडी कितने बड़े वो हैं, उसे ये पता है कि गलती हो जाती है ना बेटे। गाइस पता है उस दिन न्यू ईयर वाले दिन भी पता है मैं इतना परेशान कि कुछ मेरे को पीने के लिए नहीं मिल रहा है, पीने के लिए नहीं मिल रहा है, और ये मेरे को घर ले गए, बोल गए कि भाई यहाँ मिलता नहीं है, इतना पागल बनाते हैं ना, आज मैंने नजर यहाँ वहाँ फेंकी तो देखिए क्या मिला। यार तो मैंने कौन सा आगरा घूमा हुआ है अभी, 5-6 साल से मैं यहाँ पे हूँ नहीं, मुझे पता ही नहीं है क्या मिलता है क्या नहीं मिलता यहाँ पे, ना जाने बहुत ठंडा है, डीनो बहुत ठंडा है, मैं तो ले ही नहीं पा रही, तो डालो दो मुइया, तो डालो उसमें, ज्यादा मत पी लेना ठंडा, अच्छा है लो तुम्हें भी ना, नहीं वाह वेरी टेस्टी, एंड में थोड़ा सा बता, एक काम करती हूँ मैं लास्ट में छोड़ दूंगी आपके, ठीक है? हाँ ठीक है, अब जो बात होगी घर पे ही होगी, मम्मी के सामने अब सारा इंसाफ होगा, आज मम्मी इंसाफ करेंगी कि लड़का उनका उनको लड़के के साथ रहना या मेरे साथ रहना, तेरे को इतना अच्छा शेक पिला दिया, अब भी इंसाफ रह गया, इंसाफ हो गया, दूध का दूध पानी का पानी, शेक तेरे हाथ में, नहीं मैं घर जा रही हूँ, इंसाफ मम्मी करेंगी कि उनको इनके साथ रहना है कि मेरे साथ, कितना बुरा लग रहा है तो सही कह रहा है वो, वाह अब तुम्हें पता चल गया ना कहाँ शेक मिलता है, बस यहीं से पैक करा लाया करना मेरे लिए, इट इज लाइक अमृत यू नो, अमृत ऐसा ना गिलो का गिलो का काढ़ा, खुद याद करो बैंगलोर में आए दिन लस्सी पीने जाती थी, वो भी कौन सा फ्लेवर, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, तो शेक पीती थी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, और यहाँ जब से आई हूँ कोई फ्लेवर नहीं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लाइफ के फ्लेवर खत्म, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का मैं तेरे लिए वो ले आता हूँ, वो बॉटल आती है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की, इतने चालाक है, मतलब जो चीज की बात तुम करो मैं ये ले आता हूँ वो ले आता हूँ, खुद घर पे बना लो, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ले आता हूँ, चॉकलेट फ्लेवर ले आता हूँ, दोनों चीज बना घर पे बेटों के लिए भी अपने लिए भी, इतने चालाक है सच में, ये तो इतना खुश, अब मम्मी इंसाफ करेंगी, बस मैं घर जा रही हूँ अभी, मैं घर पहुँच के बात करूँ, तो यही पी ली ये बॉटल, आप देख ली ना, आप क्या है एक बॉटल ले लिया करी, वो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लेना है, चॉकलेट फ्लेवर लेना है, जो लेना है वो ले ले, उसमें क्या है, अब देख लिया ना, पहले पता नहीं था ना कि यहाँ पे, इनको ये चीज नहीं पता है कि हनी को खाने में कम इंटरेस्ट है, उसको इस तरह की चीजें ज्यादा पसंद है, यार मुझे और मेरे क्या मालूम है, मैं तो तुझे गन्ने के जूस पिला दूं, गाइस मेरे को आए हुए लगभग यहाँ पे पता है 7-8 महीने हो गए, पूरी गर्मियां निकल गई, आइसक्रीम के लिए बोलते रहते हैं आइसक्रीम खा ले आइसक्रीम, जबकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और देख रहे हो अब शेक मिल रहा है सर्दियों में जाके, कोई चीज का वही नहीं है कि उसको कितना मन करता होगा मैं ढूंढ लूं कहीं पे, कहीं ढूंढना ही नहीं है कुछ, सीधा बोलते हैं ना ये नहीं मिल रहा, हाँ अब ये इनकी साइड नहीं, अब ये मेरी साइड है,
ताली दो। ताली नहीं दो, अभी मेरी साइड है। ताली मेरे उसके डायलॉग पे ताली मार रही है। आप मैं दोनों के साथ, दोनों के साथ साथ है वो और डायलॉग पे ताली मार। अच्छा मैंने आपको वो खिलाया कि नहीं खिलाया, आपको फेवरेट सोया चाप? हाँ तंदूरी सोया चाप, अच्छा लगा ना? लो सिप मारो बेटी। जब भी कार रुकती है ना, ये कुत्ते क्यों आ जाते हैं पता नहीं। बा एडिनो अंदर जाओ, अभी वो कट्टू कर लेगा। अंदर चल चल, आजा 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 आ, जल्दी आ जल्दी, कट्टू कर लेंगे। मम्मी अब आप ही इंसाफ करो, अब इंसाफ करना होगा। पहले ये कीर्तन बंद करिए, ये कीर्तन चल रहा है। ला 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 ला, थोड़ा सा इसको करेंगे कम। मम्मी इंसाफ करिए, पता आज तक मेरे को शेक नहीं पिलाया इन्होंने आगरा में, और आज मैंने खुद शेक की शॉप ढूंढ ली और इतना जबरदस्त शेक लगा है। पूछो इनसे, इनसे पूछो, ये सामने प्रूफ खड़े हैं हमारे। बेटू अच्छा लगा था? यस हाँ। अब मम्मी अब आप बताओ, पूछो इनसे, इन्होंने क्यों नहीं पिलाया आज तक, पूछो। थक गए आज हैं। वैसे तुमने क्रिकेट खेला था? फिर कैसे आउट हुए, कितने रन बनाए? अरे बैटिंग का मौका नहीं मिला, फील्डिंग और बॉलिंग ही मिली बस। हद हो गई यार, मतलब जो तुम्हारे पैर दर्द हो रहे हैं ये सिर्फ भागने से हो रहे हैं। अरे तो खेलना है, अब ये थोड़ी नहीं तो बैटिंग नहीं मिली इतने दिनों बाद, कॉलेज के बाद अब ये एकदम से खेलने जा रहे हैं। अच्छा वैसे तुम तो वहाँ पे एज अ डॉक्टर गए थे, अचानक से वहाँ खेलने क्यों लगे? अरे तो वहाँ पे प्लेयर कम पड़ गए। मम्मी बोलना, तुम भी ठीक है यार, खेल लेते हैं, हमें क्या एंजॉय करना है, किसी को चोट लग जाएगी तो डॉक्टर साहब क्रिकेट खेल के आए मतलब। तभी डॉक्टर साहब की कमर कुछ ऐसी लग रही लचकीली सी। अरे लचकीली क्या, ये सब दर्द हो रहा है यार। तो आज आप घोड़े बेचेंगे मतलब, घोड़े बेच के सोएंगे? ये घोड़े हैं देखो। इनकी टुकड़ुक टुकड़ुक हमेशा जलती रहती है। डीनो ए डीनो, कैसा लगा शेक मेरी बेटी? ये शेक अच्छा था, शेक कर रहे हैं बराबर, शेक पी के। अच्छा ताकि अच्छे से शेक और शेक अच्छे से शेक हो जाए अंदर। तो मम्मी ने इंसाफ करा है कि नहीं करा अभी तक? हो गया, क्या इंसाफ हुआ है? अब रोज पिलाया करें। अरे मम्मी यहाँ भगत नहीं है, भगत नहीं है, भगत जैसे भगत इधर है और पीछे साइड में वही वाले वो ये शेक। अरे वो तो मेरी नजर पड़ गई, इधर उधर नजर घुमाई मैंने, तो मैंने कहा अरे उल्लू बना रहे थे इतने दिनों से। मैं उल्लू नहीं बना था, मेरे को कौन सा पता था। वाह तेलवलकर्स का मतलब टूर्नामेंट था, करेक्ट? यस। तो ये टी शर्ट आपको क्या क्या कहते हैं, गिफ्ट के तौर पर मिली है? अच्छा क्या फिजियो की टी शर्ट, तो उसमें क्या लिखा होगा? फिजियो, फिजियो लिखा होगा, पीछे और क्या लिखा होगा? और सामने तलवलकर लिखा होगा, तलवलकर का लोगो रहता है और पीछे फिजियो लिखा होगा। ठीक है, तो क्या मतलब वीकली जाया करोगे या मतलब क्या है, वंस अ वीक चले जाओ, दो टाइम चले या कॉल आया करेगा तब जाया करोगे? अरे हफ्ते में दो दिन रख लो तलवलकर के विजिट के। ठीक है चलो, अब कपड़े चेंज करिए, मैं भी जा रहा हूँ कमरे में। मम्मी सो, अब आप बहुत लेट हो गया, आप इंसाफ तो कर ही दिया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह का हो रहा है लगभग 11, बना रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट। हस्बैंड भी सेम ब्रेकफास्ट करके अभी इधर उधर घूम रहे हैं मेरे आसपास, और मैं भी अपने लिए बना रही हूँ। तो दरअसल आज मैंने रमास बॉईल कर दिया था, तो आज उसी की चाट बना रही हूँ, सारे मसाले मसूले डाल के चटपटा सा चाट बना रही हूँ आप लोग के लिए और अपने लिए। तो चलिए साथ में ही खाएंगे, चलते हैं डाइनिंग पे। गाइस वैसे मैं जंक फूड बहुत खाती हूँ ना, तो कभी कभी थोड़ा हेल्दी भी खाना चाहिए, अदरवाइज हो जाएंगे हम। मुझे एक्चुअली ना जो काला चना होता है ना, उस वाली चाट बहुत पसंद है, ये थोड़ा कम पसंद है। मेरे को ज़्यादा पसंद है। हैं? वो मेरे को ज़्यादा। काले चने वाली तो ये भी खा लेते हैं, ये वाली ये टच भी नहीं कर रहे हैं। अभी इनकी डैडी खा रहे थे ना, तब भी ये ऐसे ही कर रहा था।
टिक्की बनाऊंगी, टिक्की बनाने का मन करता है मेरा। हाँ आलू की टिक्की खाओगे आप? या फिर मटर की चाट, मुझे मटर की चाट बहुत पसंद है। मम्मी गई है छत पे धूप लेने। मम्मी व्लॉग एंड होने का टाइम हो गया, राधे राधे कर लो फटाफट। मम्मी फिर बिंदी नहीं लगी है, फिर चेहरा अजीब सा लग रहा है बिल्कुल। गाइस आज मैं मम्मी वाले रूम में बैठी हूँ रूम हीटर लगा के, और ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है। और अब मैं ये व्लॉग एंड करूँगी बिकॉज बहुत लंबा हो रहा है। लेकिन व्लॉग एंड करने से पहले मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, प्राची दलाल नाम है उनका, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था नाम लेने के लिए, तो मैंने उनका नाम ले लिया है। और वो बहुत एक क्यूट बच्ची हैं, छोटी सी बच्ची हैं, तो उन्होंने एक वीडियो बनाया था मेरे ऊपर, तो मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, तो बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज़ के लिए, वीडियो बनाया मेरे ऊपर इतना अच्छा। तो मिलती हूँ आप लोगों से कल, तब तक के लिए हनी को दे दीजिए ज़्यादा सायनारा, बाय बाय।